ली, नाउ वी हैव बुक रिक्शा, ऑटो कर लिया हमने यहाँ से, अब सीधा जाएंगे हम लोग डायरेक्ट पुणे, ओ पुणे कह रहा हूँ यार, भुवनेश्वर उड़ीसा एयरपोर्ट। तो वी आर राइट नाउ इट्स 9:53 एंड वी आर गोइंग ऑन भुवनेश्वर एयरपोर्ट। तो चलते हैं सीधा, खा भी लिया अच्छे से, छक लिया, नाश्ता पानी हो गया, रात को अब जाना है, एक एक बियर और झटका लिया हमने, तो बिल्कुल अब फ्लाइट में एकदम सोऊंगा बिल्कुल ही। इनको भी थोड़ा थोड़ा सा भी हैंगओवर हुआ है, अरे उतना नहीं हो पाया लेकिन थोड़ा थोड़ा हैंगओवर सा हुआ है, मैं सरूर बन गया तो इनका तो ठीक है बढ़िया। फाइनली वी रीच भुवनेश्वर एयरपोर्ट, भाई पूरा खाली है देख रहे हो, पूरा एयरपोर्ट ही खाली है हमारे से, हमारी लास्ट फ्लाइट है दिल्ली की, जो लास्ट फ्लाइट है वो हमारी है, 10:45 के इट्स राइट नाउ 10:942। तो अब चल रहे हैं अंदर, एक ही चेक इन गेट भी खुला हुआ है बताओ, और बाकी गेट भी नहीं है, तो अंदर चलेंगे। विस्तारा का ये रहा, ओ इंडिगो का पूरा यार, यहाँ पे भारी है क्या, अंदर से भी बाहर भी हैं दोनों तरफ हैं। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बोर्डिंग पास पे, तो बोर्डिंग पास अपना लेंगे, ऑल टाइम फेवरेट ग्लैमर का बैठा वहाँ से लेंगे बोर्डिंग पास, इंडिगो एयरलाइंस सबसे बेस्ट लाइंस। इधर से बैठी दो मैडम, ग्लैमर इधर बैठा हुआ, इधर से लो बोर्डिंग पास, इंडिगो ही है, हाँ इंडिगो ही है, जाओ ना आगे बोर्डिंग पास ले लो अपना फर्स्ट क्लास बैग। नई एयरलाइन आते हुए आज उसका स्वागत हुआ है यहाँ पे, कौन सी एयरलाइन से भाई, एयर एक्सप्रेस नहीं यार, कुछ और था यहाँ पे, एक्सप्रेस अहेड, और हमारी फ़्लाइट जो है वो 15 मिनट डिले है, 10:45 की जगह 10:55 पे उड़ेगी, तो लेट्स, सारी फ़्लाइटें ही डिले हैं देख लो, कोई 20 मिनट, कोई 25 मिनट, कोई, ओ भाई चौधरी तो 8 बजे की फ्लाइट थी भाई, तो 30:55 पे उड़ेगी, ओ भाई ये भी डिले है, अभी तक डिले चल रही है, ओ तेरी 30:10 वाली भाई साहब 30:10 पे जाएगी, ठीक है, वो बहन छो तो 22:55 वाली 22:55, वो भाई मैं तो सोच रहा हूँ जो 8:40 वाली थी वो भाई सब अब तक। फाइनली इधर हो गया हमारा सिक्योरिटी चेक एंड देन वी विल गेट, कौन सा गेट नंबर है, 5 4 से 8 यहाँ ऊपर, तो ऊपर चल रहे हैं हम लोग अब गेट नंबर 5 की तरफ, और 5 तो ऊपर चलेंगे सिक्योरिटी चेक, यहाँ पे ज़्यादा उतना नहीं है जितना ले में, तो भाई साहब क्या था कि कपड़े तक उतरवा ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कपड़े वाला, तो ऊपर चल रहे हैं। इट्स राइट नाउ 10:45 बाद में 10 मिनट तो हमारी फ्लाइट डिले है, अब देखो पता नहीं आगे कहीं और डिले ना हो जाए यार, कहीं की फ्लाइट तो एक बार जो 4-4 घंटे तक डिले चल रही है बारिश के चक्कर में, तो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। परिवर्तित द्वार क्रमांक 2 की ओर प्रस्थान करें, धन्यवाद। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द गेट चेंज अनाउंसमेंट, आई रिपीट, दिस इज द गेट चेंज अनाउंसमेंट फॉर द पैसेंजर ट्रैवलिंग ऑन इंडिगो फ्लाइट 6E। सुन रहे भाई, गेट चेंजर ही हो गया बताओ यार, देख रहे हो, गेट हैज बीन चेंज फ्रॉम गेट नंबर 5 टू गेट नंबर 2 ऑन द ग्राउंड फ्लोर, रिक्वेस्टिंग ऑल पैसेंजर्स काइंडली प्रोसीड टू गेट नंबर 2। क्या बात कर रहे हो, थैंक यू, नमस्कार, कृपया ध्यान दीजिए ये द्वार परिवर्तन की सूचना। चलो 2 नंबर पे है गाइस अपडेट हमारी, यहाँ पे बैठ के तो सोफे पे इतनी बढ़िया सीट मिली थी लेकिन वही चक्कर है। गाइस फाइनली बोर्डिंग होने स्टार्ट हो चुकी है, बस में जाएंगे, हवाई जहाज में घूमेंगे, कच्ची गलियाँ देखेंगे, भाभियाँ देखेंगे, बस आ चुकी है, प्लेन वो खड़ा हमारा इंडिगो, तो हम बस में बैठेंगे और चलेंगे आगे दिल्ली टू भुवनेश्वर, लेकिन सर इसमें लिखा भी है भाई बस में ही, बस यहीं लेके जाएगी आपको, पहले मैं तो खड़े होकर वीडियो बनाऊँगा, कंटेंट है मेरे लिए तो बेस्ट एंड बेस्ट प्रायोरिटी पे मज़ा आएगा, बैठना ही किसने यार, वो सामने अच्छा बोरी बस हमारे पूरा प्लेन वो खड़ा हुआ। गाइस फाइनली वी आर रेडी टू रोल, और अब हम लोग जा रहे हैं बैठने के लिए, हमारे मिस्टर शुभम रह गए बस उनके पास बोर्डिंग पास है, मेरे को सीट नंबर पता नहीं, देख लो प्लेन कैसा है, इंडिगो एयरलाइंस। गाइस फाइनली प्लेन के अंदर आ चुके हैं, सो लास्ट फ्लाइट इन दिल्ली राइट नाउ, 26 हमारी सीट नंबर, देखते हैं अभी कहाँ पे है हमारी सीट, तो 26 कहाँ है, बोरी दिग्गी मेरे को खाली पड़ी है भाई, फोन है हमारे साथ अंकल जी हैं एक, ओ ग्लैमर इन द हाउस है क्या लग रहा है मेरे को भाई, चलो देखते हैं, ओ भाई पूरा फुल है प्लेन, ऑल प्लेन आर फुल। Firstly, many apologies for the delay and the inconvenience caused due to operational reasons. The time to Delhi is 1 hour and 45 minutes. We expect some light to moderate turbulence owing to monsoon conditions across the Indian subcontinent. The starting off in the next few minutes should be airborne in the next 15 to 20 minutes, and starting to push back in the next 5 to 7 minutes. It's a pleasure having all of you aboard, and I will try best to make up some time while we proceed to Delhi. I will also be keeping seatbelt signs on for most of the flight, owing to some light to moderate turbulence we anticipate on the route. So, I request you to respect the seatbelt sign and follow all safety instructions given by the captain. तो भाई इसका फ्लाइट आ डिले, लेट्स सी देखो कितनी मिनट डिले थी, बिकॉज मानसून की वजह से थोड़ा सा
कहने की फ्लाइट डिले हो गई है, तो बाकी देखते हैं अभी क्या होता है और क्या नहीं होता। मैं बता दूंगा आपको थोड़ी देर में कितनी डिले हुई है। राइट नाउ 11:03 एंड गेट्स आर नॉट बैक। कैबिन क्रू को बुला रहे हैं, कप्तान जी सुरन देंगे अभी। तो देखो ये रहा, तो अभी तो भाई रेडी नहीं हुई स्टार्ट, दिल्ली में बारिश हो रही है ना इसलिए। टाइम टू रेडी टू फ्लाई, तैयारी हो चुकी है, रनवे पे आने वाला है, बस आते सीधा सूम से उड़ जाएगा डायरेक्ट। देख रहे हो फ्लाइट रेडी है उड़ने के लिए, जस्ट अभी तुरंत उड़ेगी, देखना अभी अभी उसने पे अभी अभी नहीं पकड़ा भाई, जब पकड़ता ना एकदम से पकड़ता। अभी तो मेन अभी रनवे पे गया नहीं, जहाँ से मतलब उड़ना है, टेक ऑफ लेना है, अभी वहाँ जाएगा, देखना अभी शायद आई थिंक सही से दिख नहीं रहा क्योंकि नाइट का समय है ना, सही से दिखेगा नहीं। दिल्ली में लाइटें लगी हुई है साइड साइड, दिल्ली में जब उतरेगा तो दिखेगा जरूर, क्योंकि दिल्ली की लाइट एयरपोर्ट्स की लाइटिंग ज़्यादा है, यहाँ पे कम है एयरपोर्ट्स की लाइट, यहाँ पे प्लेन्स की लाइट इतनी सारी हैं, यहाँ पे उसकी लाइट दिखी नहीं रही सही से। बाकी देखते हैं, लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है अभी बताते चल जाएगा आपको थोड़ी देर में। हवा आगे आती हमें होंगे हम लोग, गाइस रेडी फॉर फ्लाई। देख रहे हो भाई साहब पूरा भुवनेश्वर दिख रहा है यहाँ से, कितना छोटा छोटा है और मज़ेदार अच्छा लग रहा है ना, कितना देखने में देख रहे हो भाई, बढ़िया लग रहा है यार, ऐसे ही दिल्ली लगेगा पूरा ऊपर से लाइटिंग देखने में ना, मज़ेदार। आप लोग यहाँ देख रहे हैं मूवी फर्स्ट क्लास, सोऊंगा दो घंटे आराम से चिल मारूंगा सुबह उठ के। वैसे भी मेरे बैक टू बैक ट्रिप्स, वी आर रेडी फॉर रॉक, बैक टू बैक ट्रिप्स हमारे प्लान बैठे हैं शिवम भाई के साथ, हमारे 2-3 नेक्स्ट ट्रिप जो है प्लान हो चुके हैं ऑलरेडी कि हमने यहाँ जाना है। तो अब चल रहे हैं हम लोग फिलहाल और उधर पूरी। ओ भाई सो कितना बढ़िया लग रहा है और सारी लाइटें चल रही हैं, कतई चल रहा है, हम चलते हैं, सोता हूँ आराम से 2 घंटे, मिलते हैं सीधा वापस दिल्ली। ओके सो भाई शिवम भाई को आ गया सुसु बड़ी तेज, कह रहे यार मैं ना पैड पहन पैड नहीं पहने, इन्होंने लग रहा मुझे निकाला नहीं पैड, कह रहे बड़ी तेज सुसु आ रहा है इनको, मूवी देख रहे थे अच्छा खासा लेकिन इनको सुसु आ गया बड़ी तेज, भागते जा रहे हैं पता नहीं क्या क्या, पैड नहीं लगाया हुआ भागते हुए जाएंगे अभी सुसु करने। सारी स्टोरी पता क्या है, क्या इनको एक ना वो पसंद आ गया ग्लैमर, उस ग्लैमर को देखने के चक्कर में ये जा रहे हैं और कुछ नहीं है बस, समझ रहे हो, देख रहे हो कहाँ देख रहे हो। गाइस फाइनली वी आर लैंडिंग, 1, 2 and 3 नाउ वी लैंड, फ्लाइट होगी लैंड भाई, 1, 2 और 3 ये टायर नीचे लगे थे हम। गाइस फाइनली टाइम टू लैंडिंग, 3, 2 तो चलते हैं अब सीधा दिल्ली पहुँच गए भाई साहब, कितने बज रहे हैं इट्स राइट नाउ 1:11 तो अब चलते हैं बाहर निकलते हैं। सो गाइस फाइनली अपनी शक्ल भी दिखा दिया कर भाई, मेरी शक्ल देख लाए, तो नाउ टाइम टू लीव, बारिश हो रही है यार लेकिन तो निकलते हैं इससे बाहर एंड लीव करते सीधा भाई साहब, बारिश हो रही है, लाइट शावर चल रहा है भुवनेश्वर वाला अभी भी यहाँ पे भाई साहब, दिल्ली उतरते तो बारिश हो रही है तेज बैंड, तो देख रहे हो दिल्ली में बारिश, ये खड़ा हमारा प्लेन जो सीधा हमें भुवनेश्वर से ले आया, यहाँ 1800 किलोमीटर दूर से ले आया, ओ भाई साहब कतई जहर वाली बारिश हो रही है यार, अल्टीमेट वाली बारिश। अब चल रहे हैं हम लोग बारिश से भीगते हुए बचते हुए, अपने फ़ोन को मैं बचा रहा हूँ थोड़ा सा, इतना कवर हो सकता कर लूँगा। ओ भाई शुक्र है ऊपर अभी बारिश तेज हुई है एकदम से, क्या पता एयरपोर्ट से बाहर निकलते बारिश बंद हो जाए, तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी शिवम थोड़ा थक गया है, उसको अपनी एक्स की याद आ रही है, बस जा रहा है उससे मिलने के लिए, कह रहा है सीधा उसकी घर ही जाऊँगा, वो पीजी में रहती है, तो कह रहा सीधा उसकी घर जाऊँगा डायरेक्ट मिलने के लिए। तो चल रहे हैं बाय बाय, देखो नेक्स्ट टाइम फ्लाइट कब लेते हैं हम लोग, अब देखते देखते बारिश देखो कितनी तेज़ हो गई, देख रहे हो एंड सो देखते देखते बारिश कितनी तेज़ हो गई, थोड़ा सा प्लेन छोटा, हाँ ये छोटा प्लेन है इंडिगो का, तो लास्ट टाइम बाय बाय बोल रहे थे, पता नहीं कब आएंगे दोबारा, बहुत जल्दी हमारी फ्लाइट लैंड होने वाली दोबारा भाई, देखते देखते तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई देख रहे हो, और हमारी एयर होस्टेस आ गई हैं, तो चलते हैं अंदर फर्स्ट क्लास टैक्सी को कैब्स एंड वी गो। इस T2 पे आते लोग हम लोग, और ऑल टाइम माई फेवरेट ग्लैमर इन द हाउस, पूरा भरपूर ग्लैमर, और मेरे को इतनी हाइट छोटी है, हाँ मेरे को याद है पिछले मैं ले के लिए आया था, तो मैं वहाँ से आया था, सामने वाले गेट से हमारी एंट्री हुई थी ले के टाइम पे, इस बार यहाँ से हुई है गेट नंबर 1 से, एंड ग्लैमर के पीछे से चलेंगे हम लोग भी, क्योंकि हम नहीं बाहर जाना हो, ग्लैमर भी बाहर ही जाएगा, तो ग्लैमर की जरूरत टैक्सी होती है पर्सनल, वहीं जाएगी और हम लोग जाएंगे सीधा भाई, भरपूर ग्लैमर है चारों तरफ, भुवनेश्वर तो खाली था तो मैं जो भरा हुआ है एयरपोर्ट, कम से कम कुछ दिख तो रहा है यहाँ पे। फाइनली शिवम भाई जा रहे हैं, कैब यहीं से हमने लोकेशन चेंज कर ली थी, तो वो भैया बोल रहे हैं मैं ही छोड़ दूँगा, 110 रुपये लग रहे हैं एक्स्ट्रा, वैसे 420 यहाँ तक के थे रजौरी तक के और दिखा रहा है, तो अब यहीं से चल रहे हैं, इधर से भी है, इधर से वापसी, इधर से ही
इधर से ही अपना सीधा वापसी हुई उत्तम नगर टर्मिनल। और हमारा जो पूरे ट्रिप का खर्चा है, मैं अपना जो पूरे अभी डाल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो पूरे ट्रिप का हमारा खर्चा है, वो हमारे पूरे ट्रिप का खर्चा आया है एग्जैक्ट तो 12,600 कुछ टिकटें थी, और हमारा मतलब दो दिन का मतलब खाने पीने रहने का लेके सब कुछ लेके 3600 कितने रुपए आए हैं, 3663 रुपये, मतलब टोटल 16,656 रुपये टोटल हमारे खर्च हुए हैं। तो मतलब पूरा ट्रिप इतने में हो गया। तो मैं आपको बताऊँगा, अगर आपने कहीं भी जाना हो तो ये शहरी लोग मेरे पे ही भोंक रहे हैं, मैं रोजाना अंडे खिलाता हूँ, ये मेरे पे ही भोंक रहे हैं। वाह, तो अब चल रहे हैं हम लोग, सीधा डायरेक्ट चलते हैं, एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं हम लोग घर की। और तो वी आर गोइंग बैक टू अगेन सेम लाइफ।